ये रही मेरी बाइक RR 310, देख सकते हो आप। अब बात ये है इसकी साउंड, क्योंकि मेरे साथ अभी कोई नहीं है तो नहीं तो मैं फिर आराम से आपको सुनाता। ये देखिए साउंड, ये इसकी साउंड आ गई। इस पब्लिक के रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कोई सुपर बाइक है। तो ये रही गाइस, तभी के पुल पे हूँ, ये देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, वो देखो स्नो, क्या यार क्या जबरदस्त है यार आ रहा है। गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो सब गाइस, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। सो गाइस, आपको पता ही है फ्राइडे को मैंने बाइक लाई है, तो उसके बाद कंटिन्यू बारिश रही, फ्राइडे को भी रही, सैटरडे को भी पूरे दिन बारिश रही। तो आज संडे है, आज मौसम बिल्कुल क्लियर है, तो मैंने सोचा चलो आपको बाइक का थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि बाइक क्या है, इसका मीटर कैसा है, और हर चीज़ आपको दिखा देता हूँ। और मैंने ये चीज़ नहीं सोचा था कि यार आप मेरे जो व्यूज़ हैं पिछली वीडियो पे 500 करवा दोगे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि 500 व्यू हो गए कंप्लीट। तो चलो इसी तरह से प्यार अपना बनाए रखो, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो सब्सक्राइब। तो चलो चलते हैं, घर से निकलते हैं, तो दिखाता हूँ आपको मैं रास्ते का व्यू, लेट्स गो। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं नरवाल में, तो मैं अपने कैमरा को सेट कर रहा हूँ, तो अभी हम निकल रहे हैं। अभी अकेला ही यहाँ पे हूँ मैं, थोड़ा सा आपको दिखा रहा था बाइक के बारे में, क्योंकि परसों ही मैंने बाइक ली, आपको पता ही तो है। फ्राइडे को मैंने बाइक लाई है, क्योंकि उसकी वीडियो तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है, अगर जिसने नहीं भी देखी हो तो आगे आप देख सकते हो आराम से। तो ये अपनी बाइक है, ये बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे यार, बहुत ज़्यादा, और कम्फर्टेबल बाइक है, इतना मतलब जो बाइक स्लिप करती है ना वैसी बाइक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बाइक है। क्योंकि अभी तो मैंने राइड भी उतनी नहीं की, 16 किलोमीटर टोटली चलाई, तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। अभी तो इसकी सर्विस होनी है, सर्विस होने के बाद जब बाइक खुलती है तो फिर पता ही लग जाता है कि हाँ भाई बाइक में कितना दम है कितना नहीं है, क्योंकि अभी इसके मसा दो ही मोड़ खुले हैं। आओ मैं दिखाता हूँ आपको इसका मीटर, ये रहा इसका मीटर। तो मैं पेपर उतारता हूँ, इसका जो लैमिनेट है ये स्क्रैच के लिए, कि स्क्रैच ना बजे, क्योंकि इसको लैमिनेशन करूँगा मैं, ये देखो ना, इसको लैमिनेट पूरा यहाँ से ऊपर तक करूँगा मैं, कोई स्क्रैच ना बजे इसको। ये देखिए अभी मैं आपको इसके मोड दिखाता हूँ, अभी जो इसका है रेन मोड है, तो इसका एक और मोड आता है, यह अर्बन मोड आता है, तो ये स्टंट वाला जो है मोड वो है ये। अभी मैं आपको इसको बाकी चीज़ें बताता हूँ, ये देखो राइड मोड है जो इसके सारे, अभी इसका देखो एक ही अर्बन वाला खुला हुआ है, नीचे आगे इसका रेन जो है आपको तो पता ही है बारिश में चलने के लिए, नीचे आगे स्पोर्टिव, ये लॉक है अभी नीचे ट्रैक वाला, क्योंकि आपको पता ही है ट्रैक की बाइक है, बट ये दोनों अभी लॉक है, इनने बोला था एक सर्विस के बाद ये खुलेंगे दोनों। तो ये आगे इसके राइड वाले मोड, तो अभी उसके बाद आगे ये इसके ट्रिप डिटेल यहाँ पे इसने, तो जब ये देखो मैं आपकी आपको बताता हूँ, यहाँ पे बता रहा है कि मैंने डाला था इसको कितने का तेल ना परसों, कितने का तेल डाला था मैंने, डाला था 900 का, तो इसमें आ गया था कोई लगभग 10 लीटर तेल आया था, तो और वो चल रहा था 297, अभी 4-5 किलोमीटर मैंने भी चला ली। तो अभी बाकी चीज़ें आपको दिखाता हूँ मैं, ये आगे व्हीकल्स, इसमें आप सर्विस का देख सकते हो कि आपको सर्विस कब आपकी होनी है, कब हुई है लास्ट सर्विस, आगे एडवांस का भी बताता है कब होनी है, इसके इतने टाइम के बाद इसकी सर्विस कर सकते हो, वो भी बताता है ये। और नीचे आगे इसका रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, माइलेज कितना दे रहा है, क्या है, पूरा बताएगा। और उसके बाद आगे स्पीड अपनी क्या है, 139 का ये बता रहा है, बट इतना नहीं होगा, ज़्यादा होगा क्योंकि इतना कम स्पीड तो होगा नहीं। नीचे डॉक्यूमेंट है, अपने 3 डॉक्यूमेंट आप इसी में रख सकते हो, आपको
उतरने की जरूरत नहीं, कहीं नाके में फंसते हो आप, डॉक्यूमेंट बोलेगा शो करने के लिए, आपको उतरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सेट कर दिए, दस्ती उनको डॉक्यूमेंट दिखा के निकल गए वहाँ से। तो ये रहे थे इसके फीचर, डिजिटल मीटर के फीचर्स। तो बाकी तो आपको पता ही है, ये रही बाइक, क्योंकि रेड कलर की ली है मैंने, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये देखो ABS है, ये डबल ABS है, उसका इंजन जो आता है वो BMW का इंजन आता है। और ये रही इसकी फ्रंट लुक, ये देख सकती हो आप ये। और जो इसके टायर हैं वो टायर कौन से हैं, ये मिचलिन के टायर हैं इसके। और बैग भी काफ़ी बड़ा टायर है, 150 का टायर है इसका, काफ़ी ब्रॉड है, देख सकते हो आप कितना बड़ा है। तो ठीक ही टायर है। और अभी मैं इसकी आवाज़ आपको सुनाता हूँ, साउंड सुनाता हूँ इसकी। ये देखिए अभी करते हैं हम इसको स्टार्ट। ये आई इसकी साउंड, क्योंकि मेरे साथ अभी कोई नहीं है, तो नहीं तो मैं फिर आराम से आपको सुनाता। ये देखिए साउंड, ये इसकी साउंड आ गई। काफ़ी बढ़िया साउंड है, मुझे लग रहा था कि इतनी अच्छी साउंड नहीं होगी, मगर ये साउंड जो है ना बहुत ज़बरदस्त साउंड है। ये एक बार और दिखाता हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त पढ़ू। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि यार तू अपाची की बाइक ले रहा है तो गलती कर रहा है, इतना पैसा खर्चा कर रहा है, क्योंकि आपको पता है 3,10,000 की ये ऑन रोड पड़ती है। तो सारे मुझे बोल रहे थे यार इतना पैसा खर्च रहे हो और कोई बाइक लो, बट यार मुझे जो पसंद है तो मैंने वही लेना है, क्योंकि मैंने किसी के लिए तो नहीं लेना है, मैंने अपने लिए लेना है। जब मुझे पसंद है तो बाकियों को कोई चक्कर नहीं, बाकियों का चलता है, लोग बातें करते रहते हैं। इस पब्लिक के रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कोई सुपर बाइक है ये, बट ये सुपर बाइक है नहीं, स्पोर्ट्स बाइक है। तो पब्लिक जो है यहाँ पे मुड़ मुड़ पे जो भी आ रहा है यहाँ पे बाइक से, जैसे सामने से निकल रहा है वैसे, तो वो देख रहा है, मुड़ के देख रहा है, कोई स्लो कर रहा है बाइक, देख रहा है कि सोच रहा है कि कोई सुपर बाइक है, बट ये सुपर बाइक तो है नहीं, आपको भी तो पता ही है, स्पोर्ट्स नॉर्मल सी बाइक है ये। तो चलो निकलते हैं, थोड़ा राइड करते हैं, आपको मैं सिद्रा पुल पर भी थोड़ा सा सिंथेटिक व्यू दिखाऊँगा। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। तो ये रही गाइस, तवी के पुल पे हूँ, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, वो देखो स्नो, क्या यार क्या ज़बरदस्त नज़ारा आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ वापस गिरा की तरफ, राइड कर रहा था तो थोड़ा सा हंगा हो गया, वो हुआ ही राइड में यार, जब मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गया, फिट तो कर दिया था मैंने, ऑन करना भूल गया था। अर्बन मोड इसका ऑन हो चुका है, अभी कैमरा मेरा ऑन है, पहले जब मैं राइड कर रहा था तो मेरा कैमरा
व्यू आ रहा है तगड़ा वाला यहाँ पे।